नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएससी स्टॉक मार्केट। बात करेंगे इस वीडियो में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में पिछले 3 दिन से लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है। शुक्रवार को भी इसमें 1% की गिरावट हम लोगों को देखने के लिए मिली है। और वहीं पे बात करेंगे तो इसमें जो है बढ़िया सा वॉल्यूम, 2.5 करोड़ वॉल्यूम भी ट्रेड हुआ है। अगर पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो 110 करोड़, यहाँ पे देखिए टोटल ट्रेडेड वैल्यू जो इसकी आ रही है 110 करोड़ रुपए आ रही है। और टोटल जो इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है 2.3 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है। अगर आज का इसका हम लोग डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे दोस्तों, तो 41.4%, 41.5% के आसपास का इसमें डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए मिल रहा है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर इसमें अपडेट की बात करेंगे तो केवल 27 जून 2024 लास्ट इसमें अपडेट आया है, और वो भी अपडेट यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो जो है क्लोजिंग से रिलेटेड आया है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो जो है सभी कंपनियों का जो है 1 जुलाई 2024 से क्लोज हो जाएगा। जब तक उनका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक उनका ट्रेडिंग जो है इनसाइडर ट्रेडिंग चालू नहीं होगा, बंद ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हो, मंडे 1 जुलाई 2024 से कंपनी कह रही है कि इनसाइडर ट्रेडिंग यहाँ पे जो है उसको क्लोज कर दिया जाएगा। और जब रिजल्ट आ जाएगा 30 जून 2024 वाला, फर्स्ट क्वार्टर वाला फाइनेंशियल ईयर 2025 वाला, तो फिर जो है उसके 48 घंटे के बाद इनसाइडर ट्रेडिंग चालू होगी। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? तो वहीं प्रोमोटर, प्रोमोटर ग्रुप से जुड़े हुए लोग, उनके रिश्तेदार, कुछ बड़े मैनेजमेंट जो डायरेक्टर वक्टर होते हैं, CEO, वो सब लोग जो है इसमें शेयर बाय सेल नहीं कर सकते हैं जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता उसके 48 घंटे तक। तो उनके लिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है ताकि वो जो है इंटरनल जो भी कंपनी के बारे में जानकारी उनको रहती है कि नहीं, कितना सेल्स हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ, उसके हिसाब से जो है बाय सेल ना कर सकें इसके वजह से, ठीक है ना। अगर देखेंगे तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ से एक रिकवरी सुबह में थोड़ी सी आई थी, उसके बाद गिरावट आई और पूरे दिन मार्केट जो है साइडवेज रहा। और वहीं पे शॉर्ट एनालिसिस की बात करेंगे, शॉर्ट एनालिसिस में 10 स्ट्रेंथ, 4 वीकनेस, 2 अपॉर्चुनिटी, 0 थ्रेट्स देखने के लिए मिल रहा। 50% क्राइटेरिया कंपनी फिल कर रही है। टेक्निकल ट्रेंड इसका जो है वेरी बुलिश बताया जा रहा है। वहीं पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग देखने के लिए, मिड रेंज का इसका देखने के लिए मिला। 8,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। देखिए टेक्निकल एनालिसिस मैं कई बार आप लोगों को समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। बुलिंजर बैंड का तो अभी कोई उतना ज़्यादा मैटर है नहीं, वो तो अप ट्रेंड में अभी बता रहा है। और जो सपोर्ट बुलिंजर बैंड का है वो भी, जो मेरा मेन सपोर्ट है वो लगभग सेम ही है, जो लगभग 45-46 रुपये के आसपास जो है बुलिंजर बैंड की बीच वाली लाइन आ रही है, सपोर्ट लाइन, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। वहीं पे अगर बात करेंगे RSI का, तो RSI पे भी यहाँ पे आप लोगों को 60 का सपोर्ट तो था, लेकिन उसको नीचे के साइड में ब्रेक कर रहा है थोड़ा सा, लेकिन उससे मतलब नहीं है। 60 ब्रेक कर देगा तो कोई बात नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो रहेगा वो 50 का रहने वाला है, ठीक है ना। अब 50 पे, अब देखिए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में 50 का ये RSI 50 के जब तक नीचे नहीं जाता है तब तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हर एक गिरावट में खरीदारी करना, रिकवरी आ जाएगी। अब टेक्निकल अगर हम लोग देखेंगे, इसका कैंडलिस्टिक के आधार पे अगर केवल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पिछली जो, अगर आप लोग मेरी एक दो वीडियो देखे होंगे तो उसमें ही मैं बताया था आप लोगों को कि 45-46 रुपये का इसका जो है सपोर्ट स्ट्रांग है, हर 45-46 रुपये, क्योंकि यहाँ पे भाग रहा था ये वाले इस लेवल पे। तो मैं आप लोगों को बोला था कि अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं आप लोग, जब इस लेवल के ऊपर जाके सस्टेन कर जाए तब या तो खरीदिए, या फिर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आता है तो 45-46 रुपये के आसपास इसमें आप लोग खरीदारी कर सकते हैं, एक परफेक्ट कह लेंगे एंट्री का पॉइंट रहेगा। उसमें आप 2 स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं, एक तो जो आप लोगों को बड़ा स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा वो 40 रुपये के नीचे का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, 40 रुपये के नीचे का इसमें SL आप लोग फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस चाहिए तो कोई बात नहीं है, छोटा स्टॉप लॉस ये जो रिसेंट का भी हाई बना है जिसका अभी ये ब्रेकआउट दिया था उसका भी आप लोग स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो, ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से बनेगा। तो देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं, वो 42 पे है और ये 40 पे है। टारगेट की बात करेंगे तो टारगेट अभी तो फिलहाल में बहुत ज़्यादा बड़ा मिलने की संभावना नहीं है। 57 रुपये से लेके जो है 52-62 रुपये तक का यहाँ पे एक टारगेट मिल सकता है, 57 रुपये तक भी जा सकता है प्राइस, और अगर मोमेंटम रहेगा कंटिन्यू तो ये जो है 62 रुपये तक भी कंटिन्यू जा सकता है, एक ही मोमेंटम में, जो पैनिक मोमेंटम है, जैसे कि यहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम आई थी सेम उसी तरह से यहाँ से भी एक कंटिन्यू मोमेंटम इस तरह से आ सकती है, ऐसी संभावना है। तो देख लीजिएगा आप लोग,
बाकी बहुत ज़्यादा अभी टेंशन लेने वाली वैसी कोई बात नहीं है कि नहीं बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। जो भी अपडेट आएगा आगे आप लोगों को मैं देता रहूँगा। वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और एस एम लिस्ट भी सबसे बाहर आ चुका है, ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।